हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं इंजीनियर नरेश कुमार आप सभी के लिए आईटीआई की सबसे बड़ी लेटेस्ट 4 अपडेट लेकर आया हूँ। सभी आईटीआई चाहे वो पास आउट स्टूडेंट हो या आईटीआई कर रहे हो, तो सभी बच्चों के लिए 4 बड़ी अपडेट डिस्टी ने जो है जारी की गई है। तो साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्टी के द्वारा जो है जारी की गई हैं। तो ऐसे सभी छात्र चाहे वो आईटीआई पास आउट हो या आईटी कर रहे हों, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी पास आउट स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईटी कर ली है, तो उनके लिए जो बड़ी अपडेट आई कि जो प्रोफाइल रिलेटेड ग्रेवियंस वो ठीक करवा सकते हैं। अगर कोई पास आउट स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, तो अगर उस बच्चे की प्रोफाइल में अगर कोई गड़बड़ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है प्रोफाइल रिलेटेड ग्रेवियंस जो है 2 मार्च 2022 तक करवा सकते हैं। तो उसके लिए डिस्ट ने अपना अपडेट भी जारी कर दिया गया है, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो उसके लिए अलर्ट में भी आप बकायदा यहाँ पर देख सकते हैं, और या नीचे जो हेडलाइन चल रही है इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था। तो ये देख सकते हैं प्रोफाइल रिलेटेड ग्रेवेंस जो है आप करवा सकते हैं 2 मार्च 2022 तक। और उसके लिए जो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालकर करना होगा, वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी कर सकते हैं। तो सेकंड बड़ी अपडेट ऐसे छात्रों के लिए है जिनका जो अटेंडेंस के कारण एग्जामिनेशन नहीं दिया था। तो अब डिस्ट्री ने जो है 40% अटेंडेंस वाले बच्चे को भी अलाउ कर दिया। तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो है पेमेंट फीस लिंक जो ओपन हो चुका है, तो अपनी आईटीआई से संपर्क करके फटाफट जो है आप अपना फीस पेमेंट भर दें, ताकि इसी फरवरी माह में जो आपके एग्जामिनेशन हो जाए, जिन बच्चों की जो है अटेंडेंस कम होने के कारण जो है जिन्होंने नहीं दिया था। थर्ड अपडेट है साथियों, जो API डाटा यहाँ पर जो 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशंस जो लिया था, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है अपडेट न्यूज़ एंड अपडेट के अंदर यहाँ पर बड़ा जो है दिया गया है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है, तो वो भी अपना जो है डाटा वगैरह करेक्शन करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी लेटर जारी किया गया था, जो कि लेटर हम आपको अभी दिखाएंगे वीडियो में। लेटर मैंने जो है डाउनलोड कर लिया, तो उसमें जो एडमिटेड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो वो भी अपना जो है अगर फ़ोटो गलत है आपकी, या आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो भी बच्चे जो है ठीक करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर 4 मार्च 2022 जो लास्ट डेट है, तो अपनी आईटीआई से संपर्क कर लीजिए। जो न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें प्रोफाइल में कोई गलती है, तो वो भी ठीक करवा सकते हैं साथियों। और लास्ट बड़ी अपडेट है कि आपका रिजल्ट जो है लगभग 15 मार्च के जो है आसपास आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे ही कोई रिजल्ट के ऊपर और अपडेट आएगा, तो मैं आपको ज़रूर सूचना दे दूंगा। तो दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लिए, ताकि आगे भी इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद साथियों।